नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल P.I.F कॉम्बैट पे। मेरा नाम है शिफु हिरन नाथ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है महत्वपूर्ण रिवॉल्वर के ऊपर, शायद आप लोग को मालूम चल गया होगा थंबनेल देख के। तो आज रिव्यू करते हैं महत्वपूर्ण रिवॉल्वर, उसके साथ क्या क्या एसेसरीज आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम चला है, आज हम महत्वपूर्ण रिवॉल्वर के ऊपर आज रिव्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं इस रिवॉल्वर के साथ क्या क्या एसेसरीज आता है। तो मेरे पास है एक प्यारा सा ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर हमारा जो रिवॉल्वर है वो है। तो देखते हैं इसके साथ क्या क्या एसेसरीज आता है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे दो लॉक दिया गया है। तो ये है कंप्लीट आउटपुट रिवॉल्वर का। तो दोस्तों यहाँ पे एक आता है एक क्लीन करने का एसेसरीज है जो रिवॉल्वर को साफ सुथरा रखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्रहार मार्क फोर रिवॉल्वर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मार्क फोर रिवॉल्वर है, इसका नाम है प्रहार, ए 32 बोर में है और टॉप ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। मतलब जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखते हैं यहाँ से जो साइड ओपन होता है, ऐसा नहीं है, ये टॉप ओपन होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक टॉप ओपनिंग है इसका, टॉप से खोला जाता है। और दोस्तों इस मार्क फोर जो रिवॉल्वर है इसमें बहुत सारी सुधार किया गया है कि पहले के टाइम पे यहाँ पे जब आप कार्टेज डालते थे, ये है इजेक्टर, तो पहले के टाइम पे गोली निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अभी इसको सुधारा गया है, अभी मार्क फोर का जो इजेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, गोली को निकालने पे बहुत आसानी से निकल जाता है गोली लोड करने के बाद, या एम्प्टी जो कार्टेजेस होता है वो आराम से निकल जाता है। आधे तक लाए तब ये केस वो काम करेगा, उसके बाद अगर पूरा कर दे तो एम्प्टी केस नीचे चला जाएगा। इसी वजह से हाफ करके आपको जो सेल है वो निकाल लेना है। बाकी इसका आउटपुट के बाद करें, आउटफिट की बात करें तो ये जो चैम्बर है इसको क्रोम प्लेटेड में दिया गया है, थोड़ा सा लुक्स के लिए, लुक्स देखने पे बहुत ही अच्छा आता है। और जो इसका ग्रिप है वो है उड़ान ग्रिप जिसमें IOF का लोगो लगाया गया है। बाकी इसका सेफ्टी के बारे में बात करें तो इसमें सेफ्टी लॉक दिया गया है जो ए रहा। अभी रिवॉल्वर सेफ मोड में है, ये अभी काम नहीं करेगा, ये है सेफ्टी मोड को हटा लिया, अभी ये फायरिंग मोड में है, देख सकते हैं ये फायरिंग मोड में आ गया। तो दोस्तों मैं इसको एम्प्टी करके अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि सेफ्टी के पर्पज़ से मैं यहाँ पे कोई भी बुलेट नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में।
बाकी जो ये रिवॉल्वर है ये दो सिस्टम से काम करता है, एक है सिंगल एक्शन, आप हैमर को बैक करके फायर कर सकते हैं। मैं आपको खाली फायर करके नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ का जो पिन है पिन पे थोड़ा सा लोड पड़ता है, तो मैं आराम से रख देता हूँ। और दूसरी है डबल एक्शन, डायरेक्ट आप फायर कर सकते हैं। और सिंगल एक्शन फायर करने का फायदा एक है, ये हिलता नहीं है। अगर आप डबल एक्शन फायर मतलब करने का कोशिश करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसका ट्रिगर थोड़ा सा हार्ड है तो इसीलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इसी वजह से आपका जो टारगेट है वो जगह से हट सकता है, तो इसी वजह से सिंगल एक्शन में ज़्यादा सटीक रहता है निशाना। और इसके साथ आता है ये क्लीन करने का टूल, जिसके साथ आता है तो दिखाता हूँ, एक बर्स्टर आता है जो प्लास्टिक जैसा मटेरियल है जिससे बैरल को साफ किया जाता है, आता है उसके साथ आता है एक ये है स्टील का है एक बर्स आता है, दोनों बर्स आता है एक साथ, जो गोली चलाने के बाद जो रिवॉल्वर का बैरल है उसमें डस्ट लग जाता है तो उससे इसके द्वारा उसको साफ किया जाता है, तो ये एक ही साथ में ही आता है, गन के साथ ही आता है। और साथ में आता है आपका ये आता है जिसके द्वारा आप ये जो क्लीनिंग रॉड है उसको आप लंबा कर सकते हैं, जिसके साथ आपको आसानी होगा बैरल को साफ करने में। कानपुर का मिटेट है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ए है, मैं बाकी नहीं दिखा सकता, मैं आपको ही दिखाता हूँ। बाकी अगर इसका मारक क्षमता के बारे में बात करें, इसका रेंज के बारे में बात करें, तो इसको सुधार किया गया है पहले के मुकाबले, अभी इसका मारक क्षमता 50 मीटर है, 50 मीटर तक ये बार कर सकता है ए मार्क 4 रिवॉल्वर, जो पहले के जो रिवॉल्वर थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा रेंज है इसका। और बाकी इसका बैरल की अगर बात करें तो इस बैरल को आप देख सकते आगे से चपटा है, देख सकते आगे से चपटा है, बाकी जो अंदर का बैरल है वो गोल ही है, और ये जो चपटे की वजह से थोड़ा सा मस्कुलर लुक आता है रिवॉल्वर का। बाकी इसका रियर साइड के बारे में बात करें, देख सकते हैं ये है रियर साइड, बहुत ही अच्छा है रियर साइड, आपको निशाना लगाने पे आसानी होगी। इसके साथ एक प्लास्टिक ग्रिप भी आता है, तो ये उड़ान ग्रिप का है तो अच्छा है, तो ग्रिप बहुत ही अच्छा मिलता है पकड़ने पे। बाकी इसका जो वेट है 700 ग्राम, जो कंपनी बताता है 700 ग्राम ही है। बाकी थोड़ा सा इनका ट्रिगर पुल थोड़ा सा मुझे हैवी जैसा लगा है, बाकी जो रिवॉल्वर है उसके मुकाबले थोड़ा सा मुझे ट्रिगर पुल हैवी लगा है, बाकी रिवॉल्वर ठीक है, चलाने में भी बहुत ही अच्छा है। और बाकी दोस्तों रिवॉल्वर का एक बात है, आप जब गोली चलाते हैं ये जो सिलेंडर है ये मूव करता है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, मतलब जब आप ट्रिगर को खींचते हैं पीछे, जब ये ट्रिगर पीछे आएगा या आप ट्रिगर जब खींचेंगे तो ये जो व्हील है जिसमें गोली रहेगा वो ऐसे घूम जाएगा ठीक है। इससे क्या होता है जब आप ट्रिगर को पुल करेंगे तो यहाँ पे जो सामने की जो गोली है वो फायर नहीं होगा, उसके पास जो गोली रहेगा वो फायर होगा,
मतलब यहाँ पे अगर गोली था जो आप फायर करेंगे तो ये जो साइड का गोली है वो ही फायर होगा। तो इसी तरीके से रिवॉल्वर का जो मैकेनिज्म है काम करता है, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे और बारी बारी से बारी जब का जो आपका बुलेट है वो शूट होते रहेगा। बाकी मैंने जब रिवॉल्वर ख़रीदा तो उसके साथ मुझे एक कवर भी आया था, मैं आपको दिखाता हूँ कवर। दोस्तों साथ में ये कवर आया था कंपनी की तरफ से, जिसमें उनका लोगो भी देख सकते हैं आप। बाकी कवर तो ठीक ही है लेकिन इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, देख सकते हैं इसका क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी ठीक ही है, मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। ये पूरा कवर हो जाता है तो इसी वजह से थोड़ा सा देखने पे थोड़ा सा लुक ऐसा अच्छा नहीं आता है, बट ठीक ही है। तो मैंने मेरे पास अभी दूसरा कवर है, मैंने ख़रीदा है दूसरा कवर ख़रीदा है। ये जो कवर है थोड़ा सा लुक्स में भी थोड़ा सा मार खा जाता है और बाकी ऐसे बाकी तो ठीक ही है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा, मैंने दूसरा भी लिया है कवर। तो मैंने ये वाला कवर ख़रीदा है, ये ऑनलाइन से भी आपको मिल जाएगा आसानी से। ये आप एक कवर देख सकते हैं, मैं इसको घुसा के रखा था। इसमें अगर आप रखते हैं, थोड़ा सा हैवी है कवर, हैवी है और देखने में भी लुक्स अच्छा आता है, थोड़ा सा हार्ड है, हाँ लुक्स देखने में भी बहुत अच्छा आता है। और एक कवर आप स्पेशली आप जो आपका पेंट है पेंट के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉक दिया गया है आप कमर के अंदर भी रख सकते हैं। और बेल्ट पे लगाने के लिए ये दिया गया है, बेल्ट पे लगाने के लिए। तो ये आप मतलब दोनों हाथ पे भी यूज़ कर सकते, मतलब दोनों अगर कोई राइट हैंडेड है वो भी यूज़ कर सकता है, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है वो भी यूज़ कर सकता है। ये वाला कवर अच्छा है, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। बाकी जो दोस्तों 32 जो रिवॉल्वर है इसका जो बुलेट है मैं आपको दिखाता हूँ बुलेट कैसा है। यह है इसका बुलेट, 32 रिवॉल्वर का जो बुलेट है देख सकते हैं। इसका जो जो आप देख सकते हैं जो गोली का जो ये सामने का जो हिस्सा है जो ये जाता है फायर होने पे, ये जो काला हिस्सा वो चला जाता है। ये रिवॉल्वर का जो ये गोली है तो इसका जो नोस है वो सॉफ्ट नोस है, मतलब जैसे कि पिस्टल का अगर बुलेट है तो उसका क्या होता है, ये जो नोस है हार्ड होता है, मतलब सेल हार्ड होता है ऊपर का, तो रिवॉल्वर का ये सॉफ्ट दिया गया है। तो इसी वजह से इसका लेकिन पेलिट्रेशन बहुत ही बड़ा होता है। बाकी मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा जो बुलेट है या आपका जो हथियार है उसको हमेशा सेफ जगह पे रखें। और आपको एक और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लाइसेंसी हथियार है, इसको लाइसेंस अगर आप बनाएं तो उसके बाद ही आप हथियार खरीदें या हथियार आप अपने साथ कैरी करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप हथियार नहीं रख सकते हैं, तो ये वाला बात मैं आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैं गन के रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं इसका एक फायरिंग टेस्ट का भी वीडियो मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको फायरिंग का वीडियो चाहिए, इसका फायरिंग कैसा है पेनिट्रेशन कैसा है, तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।